ये तलवार का सब पूरा मार है, ये तलवार का मार है, इसमें भी 6 टाका है, इसमें 19-20 टाका है। और फिर देखिएगा तो फिर आपको देखना बहुत ही। नौकरशाही.com के YouTube चैनल और Facebook पेज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ इरशादुल हक और मैं अभी नालंदा के बिहार थाना के परिसर में हूँ। हमारे साथ अकबर हुसैन हैं, आज़ाद अकबर हुसैन आज़ाद साहब हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। अकबर हुसैन आज़ाद से बातचीत करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह अजी अंजुमन मुफद इस्लाम जो नालंदा के सेक्रेटरी हैं, साथ ही साथ मुरारपुर मस्जिद के सेक्रेटरी हैं। इनके बारे में चर्चा यह है कि यह पीस कमेटी के भी मेंबर हैं। ये पीस कमेटी जो बिहार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गठित की जाती है कि अगर दो संप्रदायों के बीच किसी तरह का कोई झंझट होता है तो यह पीस कमेटी पहल करती है प्रशासन के साथ साथ, और इस पहल के बाद शांति स्थापना की गुंजाइश बनती है। लेकिन अकबर साहब के साथ आप इनके चेहरे से देख सकते हैं, इनके साथ जो घटना हुई है आप देख सकते हैं। ये घटना तब हुई है कि जब यह पीस कमेटी के सदस्य के रूप में तो थे, साथ ही साथ जो जुलूस आ रहा था, शोभा यात्रा आ रही थी, उस शोभा यात्रा में इन्होंने पानी पिलाने का काम किया, शरबत पिलाने का काम किया, ताकि जो एक जमनी तहजीब है, जो जब हुड़दंग मचा, हिंसा हुई तो इनके ऊपर हमला किया गया। कैसे कैसे क्या हुआ आप जरा हमें बताएं। खिल के जानिब से जब हम लोग बैठे हुए थे, 5:15 बजे करीब, कुछ लोग ऐसे आ रहे थे जो हम लोगों को देखकर, चूँकि दाढ़ी टोपी में थे, रमज़ान महीना था, हम लोग रोज़ा रखे हुए थे, बार बार ये आके उकसा रहे थे कि बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम। आपको आपको हाँ। और हमारे जो भी सदस्य लोग थे, तमाम लोग, हम लोग उससे रिक्वेस्ट करते रहे, बाबू जाओ तुम लोग आगे जाओ, अपने जलूस पे जाओ करते। उसी बीच उनके भी कुछ लोग आए जो बच्चों लोग को समझा के आगे की ओर ले गए। आगे जाने के बाद उन लोगों में ठेला ठेली हुआ या क्या हुआ, उसके बाद से जो है अचानक उधर से पत्थर चलने लगी। अच्छा, पत्थर चलने लगी तो हम लोग तमाम सदस्य लोग हाथ उठा के खड़े हो गए और कहा क्या हुआ क्या हुआ बताओ। तब तक बोलते बोलते तो जितने उग्रवादी थे सब लोग ढेला लाठी तलवार गड़ासा पाला जो लिए हुए थे सब पर वार करने लगे। अच्छा, ये तो कहते हुए ये कि मारो इधर तो साला मियां है। अच्छा, चलिए तुम, मगर हम लोगों ने अपना धर्म नहीं खोया, हम अपने को एकदम ये रहे, सचेत रहे कि नहीं किसी तरह का ऑफेंस का जवाब नहीं देना है, किसी भी हालत में डिफेंस नहीं, किसी तरह से कब्रिस्तान के पश्चिम जानिब से लड़खड़ाते हुए हम उठे, गिरे। हमारे सदर साहब भी यहाँ मौजूद हैं, वो भी बहुत घायल हैं, वो तो बेहोश ज़्यादा हो गए थे, हम भी उठे हिम्मत करके। तो ये 72 ये तलवार का सब पूरा मार है, ये तलवार का मार है, इसमें भी 6 टाका है, इसमें 19-20 टाका है। यात्रा में शामिल लोगों के लिए इन्होंने पानी और शरबत का इंतजाम किया था, एक स्वागत का। इनसे मानवता कितनी कहाँ पहुँच चुकी है इससे आप कल्पना करें। बायां हाथ में भी उसी तरह का इसी समाज में जब दो समुदाय आपस में मिलकर के रहते हैं तो ये कौन से लोग थे आपको कुछ? इसी शोभा यात्री के सब लोग उग्रवादी लोग थे, वही लोग हैं जो चिन्हित, तो हम भी बता सकते हैं उग्रवादी जल शोभा यात्रा के साथ साथ कुछ हमारे मोहल्ले के, कुछ हमारे कब्रिस्तान के पड़ोस के पश्चिम जानिब के लोग थे जो हम पर वार किया, चूँकि हम बराबर कब्रिस्तान के लिए या किसी काम के लिए हमेशा कौम के साथ खड़े रहते हैं, लड़ते हैं, इसलिए कि उन लोगों के आँख में कांटे की तरह गड़ रहे हैं, चुभ रहे थे हम, इसलिए कि जान मारने की नीयत से ही हम पर वार किया गया। उन लोगों को आप पहचान नहीं रहे? पहचाना, कुछ लोगों को देखा है, जिसको पीछे के लोग था, एक जयचंद यादव उसको लीड कर रहा था, 4-5 लोग और थे जिनका नाम हम अब गुप्तनीय तरीके से TSP महोदय को दिया है। चूँकि उसमें नाम है, रिकॉर्ड में नाम है, आपके बयान में दर्ज है वो नाम? नहीं, अभी किए हैं कि नहीं किए ये तो नहीं पता है। तो आपने तो बयान जब दर्ज कराया फिर उसका नाम नहीं आया? नहीं। क्यों? हमने बयान दिया है उसमें, अब उन लोग बोले कि कुछ नाम हम लोगों को अपने हिसाब से उसको देखेंगे।
नहीं नहीं, आपके साथ घटना हुई है तो पुलिस वाला देखेगा कि किसका नाम दिया जाए? अब पुलिस वाले तो अभी आप आए तो देखा भी, उन लोगों ने तो कहा कि हम मार भी नहीं देखेंगे, डॉक्टर का काम है देखना। अच्छा, डॉक्टर का ये काम है कि हमको 8 घंटा तक रात भर एम्बुलेंस नहीं मिला और हम रात भर इंजोर्ड हालत में खून बहते घर पर पड़े रहे। अच्छा, तो ये जो महिला कौन थी, ये अफसर ये सदर टाउन डीएसपी हैं। डीएसपी क्या नाम है? ममता कुमारी। ममता, तो ममता के की मौजूदगी में आपकी आपका बयान है? नहीं, और सर्किल इंस्पेक्टर वगैरह ले रहे हैं यहाँ के पूर्व। आपने जिन लोगों का बयान में नाम दिया था वो नाम दर्ज किया गया कि नहीं? नहीं नहीं, अभी हमने उन्होंने बताया कि जब आप गिरे तो बताइए पहचानने का, जब हम गिर ही गए तो कहाँ पहचान आया, जो लोग पहले से हल्ला कर रहे थे नारा लगा रहे थे उनके बारे में हमने बताया। अच्छा, ये बयान बचाने की, हाँ, बचाने की कोशिश हो रही है क्या? और 10 घंटा सोच लीजिए कि 5:30 के बाद से सुबह 8 बजे हमको एम्बुलेंस से ले जाया गया। अच्छा, हॉस्पिटल रात भर किसी ने कोई सुध नहीं लिया। नहीं तो जैसे क्या पुलिस वाले उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को? ये जो एम्बुलेंस नहीं मिलना नहीं, सबसे बड़ी बात तो वही है। बयान आपने यहाँ दिया, यहाँ बयान में हम गिरने का ही लफ्ज दिया, तो गिरने के बाद उनका कहना है कि गिरने के बाद तो आप किसी को देखा नहीं। गिरने के पहले? हाँ, गिरने के पहले तो हंगामा कर रहे थे लोग। हाँ, जो बताए जो मेरे पड़ोसी थे पीछे के लोग रहने वाले, दूसरा अटैक किया तलवार से, तो वो हम नहीं पता नहीं बताया कि अटैक किया गया, मगर नहीं तो आपने किसी का नाम लिया ना? नहीं, क्यों नहीं? नाम हम पहले बताया कि ये लोग थे। हाँ, मारने वगैरह का नाम हम नहीं दिया कि फर्जा उनके, अब बाकी सब साहब गड़ासा वाला लिए थे ये सब, उनको हमने बताया सबका नाम लिया। हाँ, सबका इन्होंने लिखा लिखा कि नहीं उसको अब पढ़ेंगे देखेंगे तब तो हम लोग